टॉलीवुड मूवीज के कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम को भला आज के दिन कौन नहीं जानता। 1100 से भी ज्यादा मूवीज में नजर आ चुके ब्रह्मानंदम ऐसे कमाल के कॉमेडियन हैं जिनके बोलने से पहले ही हमारी हंसी निकल जाती है। और दोस्तों ऐसा हो भी क्यों ना, उनकी एक्टिंग और उनकी कॉमेडी स्किल बहुत ही हाई लेवल की है और उनके नाम जीवित एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा मूवीज में काम करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों शायद आप सभी नहीं जानते होंगे कि आज के दिन के इतने खास और इतने कामयाब एक्टर एक समय पर नॉर्मल टीचर थे। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को ब्रह्मानंदम की पूरी जिंदगी का किस्सा आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1 फरवरी 1956 से, जब आंध्र प्रदेश के सत्तेनपल्ली नाम की जगह पर ब्रह्मानंदम का जन्म हुआ। एक्टिंग का शौक तो उनको बचपन से ही बहुत था, मगर फिल्मों में जाने के लिए उन्हें शुरू में कोई भी गाइड करने वाला नहीं था और इसी वजह से अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वो टीचर बने। मगर टीचर बनने के बाद भी फिल्मों में काम करने का जज्बा अभी उनमें खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई जगह पर ऑडिशंस दिए मगर किसी ने भी उनको सिलेक्ट नहीं किया। आखिरकार उनके टैलेंट को पहली बार जंडियाला सुब्रमण्यम जी ने समझा, जिसके बाद 1986 में आई मूवी चांताबाई में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला। इसके बाद उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर हर नई फिल्म में कमाल के तरीके से किरदार हासिल किया और अब तो वो समय आ चुका था कि वो इतने बड़े एक्टर बन चुके थे कि हर नई टॉलीवुड मूवी में उनका होना तो पक्का सा हो चुका था। 1990 के दशक में उन्होंने हीरो के दोस्त के तौर पर भी काम किया। 1992 में बाबाई होटल मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला और दोस्तों इसके अलावा भी अभी तक उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। आज के दिन ब्रह्मानंदम के पास 5 नंदी अवार्ड्स, 1 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के लिए और 6 सिनेमा अवार्ड्स, 3 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवीज अवार्ड मिल चुके हैं और आज के दिन तो ब्रह्मानंदम हर एक नई मूवी के लिए 1 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी लोकप्रियता के चलते ही मूवी मेकर्स को इतने पैसे देने में भी कोई मुश्किल नहीं होती। पर्सनल लाइफ में उनकी शादी लक्ष्मी से हुई और उनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर मोटिवेट करेगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर करना और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।